when we were doing benefits, तब I told you कि statutory benefits जो है वो उस social security के बाद जब act पढ़ाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा comprehensive way में cover होगा. तो there are three acts that you need to know. One is PF, the other one is ESI, and last one is gratuity. We'll do gratuity today. So anybody remember from the last class what is gratuity? बताइए आप. Yes, ma'am. Any person who work continuous 5 year, who give continuous 5 year service in the organization, then they are able to take gratuity. They are eligible to take gratuity. ठीक है. Gratuity किस type का law है? मतलब किस तरीके का legislation है? Gratuity is a social security legislation, ना? Yes, ma'am. ग्रेच्युटी एक सोशल सिक्योरिटी का लेजिस्लेशन है. सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, कितना टाइप्स होता है, वो सब सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास में. नाउ वी विल डील विद द लॉज व्हिच आर इनएक्टेड अंडर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन. तो उसमें ग्रेच्युटी एक आता है. ठीक है. सो आप अब हम लोग ग्रेच्युटी का क्लास डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे. बख्शीश का मतलब समझते हैं आप लोग? बख्शीश, बख्शीश. यस मैम. क्या होता है बख्शीश? टिप. मैम किसी को ऊपर से कुछ पैसे जो दिया जाता है. यस कॉल बख्शीश. देखिए ग्रेच्युटी पहले लॉ नहीं था. ग्रेच्युटी वाज नेवर अ लॉ बिफोर. इट्स नॉट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ग्रेच्युटी हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम फ्रॉम बीइंग जस्ट बख्शीश और टिप टू बीइंग गिवन टू द the workers as a scheme, as an agreement between employer and employee, और अब जाकर के वो बाअधिकार legislation के तौर पर दिया जाता है. तो पहले ये बख्शीश की तरह ही दिया जाता था. जब देखिए बहुत ज्यादा privatization तो था नहीं पे. तो privatization नहीं था तो workers ज्यादातर कहाँ काम करते थे? या तो industry में काम करते थे, factories में काम करते थे, mines में काम करते थे, है ना, इस तरीके से काम करते थे. तो तब क्या होता था कि बहुत वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक, रिटायरमेंट तक वो लोग एक ही जगह पे जब काम करते थे तो वहाँ के जो एम्प्लॉयर थे वो खुश होकर के उनको कुछ पैसे देते थे. मैंने सारे बेनिफिट्स के ऊपर से कुछ पैसे वो देते थे कि ठीक है, आई एम एक्नॉलेजिंग द लॉन्ग इयर्स ऑफ सर्विस दैट यू हैव रेंडर्ड टू योर वर्क प्लेस टू मी. तो उससे खुश होकर के देने लगे. तो वो कोई लॉ नहीं था, वो बस खुश होकर देते थे. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को उसकी आदत पड़ गई. तब जब किसी सर्टेन सर्कमस्टेंस पे एम्प्लॉयर्स वो पैसा नहीं देते थे वर्कर्स को, तब क्या होता था, तब वो विद्रोह करना शुरू कर दिए कि ये तो हमारा अधिकार है, ये हम लोगों को मिलता था रिटायरमेंट के समय में और ये अब नहीं लिया जा रहा है. तो क्या हुआ कि बहुत सारा कोर्ट केस फाइल हुआ इसी के चक्कर में कि हम लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है. ज्यादातर कोर्ट फैसले किसके फेवर में आए होंगे, सोच के बताओ. ज्यादातर कोर्ट केसेस में जो फैसले आए वो वर्कर के फेवर में आए कि नहीं नहीं आपको तो देना दिया जाना चाहिए, तो वो देना एम्प्लॉयर का काम. उसके बाद क्या हुआ, तो आए दिन इसकी पक्षक या कोर्ट केस में ये सब फाइल होता रहता था. पहली बार एकदम लीगली लीगल रिकॉग्निशन इसको जर्नलिस्ट वर्कर्स के तरीके से मिली. उसके बाद क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 1970 में इसको लीगल किया, फिर केरला की गवर्नमेंट ने इसको 1971 में लीगल किया. लेकिन क्या होता था कि स्कीम अग्रीमेंट या इस तरीके से जो एक अग्रीमेंट था उसमें होता ये था कि हर स्टेट में अपनी इरेग्युलरिटी जब तक कोई लॉ केंद्र सरकार पास नहीं करेगी तब तक उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी क्या? 1972 में केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट,
और उस एक्ट में सब कुछ मेंशन किया कि ग्रेच्युटी क्या क्या मिलेगी, कब मिलेगी, कब एम्प्लॉयर को यह अधिकार दिया गया है कि वो ग्रेच्युटी आपकी फॉरफिट कर दे, यानी कि उसको नहीं दे, आपको पार्शली भी वो रख सकता है पैसा, यानी जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा रख ले आपका, आपका पार्शल पैसा भी वो रख सकता है, थोड़ा सा पैसा दे के आपको, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, वो सर्कमस्टेंसेस हम लोग अभी पढ़ेंगे। दूसरी बात कि ग्रेच्युटी में पैसा दिया जाना चाहिए, पर वो कितना दिया जाना चाहिए, और अगर ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर नहीं देता है तो फिर उसमें क्या एक्शन दिया जा सकता है, ठीक है। अपना नाम लिखो, राइट डाउन, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। मैम ग्रेच्युटी के बारे में तो आप लिखवा चुके हैं। हाँ, आई हैव मेड यू लाइक दिस, बट देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जब इनिशियली क्लास हुआ था, सो जस्ट हैव पेशेंस, लेट अदर्स राइट, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट एक्ट, राइट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, और सेम नहीं होगा, कुछ अलग भी होगा इसमें, राइट। दिस एक्ट वॉज एनफोर्स्ड ऑन 16 सितंबर। This act was enforced on 16 September 1972. In the country, some employers of large scale industry In the country, some employers of large scale industry started the tradition of gratuity payment to recognize started the tradition of gratuity payment to recognize the meritorious service of its workers, Then after gratuity started, on the basis of scheme agreement, however, in 1972, it got uniformity when the central government passed the act, the Payment of Gratuity Act in 1972. Payment of Gratuity Act 1972.
हैंडराइटिंग। अच्छा ये बताओ कि एक्ट कौन सी गवर्नमेंट पास की है? यूपीए। नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट। मैम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंट्रोडक्शन में देखो, इंट्रोडक्शन this it is passed by central government, it is passed by central government so it extends to the whole of India, so it extends to the whole of India and it is known as social security legislation. And it is known as social security legislation. Okay. Tell me where does this act apply? कहाँ कहाँ apply होती है? Yet ये act हर जगह apply होती है, to every factory, mines, plants, ports, plantation, oil fields, school, trust, college, everywhere, shops and establishments everywhere where at least 10 persons have been employed. शर्त ये होनी चाहिए, eligibility ये होनी चाहिए कि वहाँ कम से कम 10 लोग का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है? अच्छा एक बात और बताइए, मान लीजिए कि किसी जगह पे ग्रेच्युटी का एक्ट लग जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, यहाँ ग्रेच्युटी का एक्ट लग जाता है, तो अगर वहां पर 10 से कम भी वर्कर्स हो जाए तो भी एक बार अगर ये एक्ट लग गया है तो ये एक्ट लगा रहेगा, लागू रहेगा वहां पर, 10 से कम भी हो जाएंगे तो भी, ठीक है? राइट, स्कोप एंड कवरेज। Scope and coverage. मैम रिपीट कीजिएगा। Scope, S-C-O-P-E, scope and coverage. मतलब कहाँ कहाँ ये इसका scope कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ ये apply होता है, क्या क्या चीजों को cover करता है, right? Scope and coverage. This act applies in all the industrial establishments. This act applies in all the industrial establishments. Like factories, mines, plantation, oil field, etc. in the country, मैम माइंस के बाद, माइंस कॉमा प्लांटेशंस, प्लांटेशंस etc. in the country. It also applies in shops and establishments. It also applies in shops and establishments where at least 10 persons are employed. Where at least 10 persons are employed. मैम इट आल्सो के बाद बोलिएगा। इट आल्सो अप्लाइज इन शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स वेयर एटलीस्ट 10 पर्संस आर एम्प्लॉयड, जहां कम से कम 10 लोग एम्प्लॉयड हो,
right. It applies in school, club, trust. It applies in school, club, trust, and society also. And society also. एलिजिबिलिटी कंडीशंस तो आप जानते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशंस सो ये राइट डाउन एलिजिबिलिटी कंडीशन If an employee has completed 5 years of continuous service, if an employee has completed 5 years of continuous service, then he is entitled for gratuity. Then he is entitled for gratuity. If an employee has completed 5 years of continuous service, he is entitled for gratuity. Five years continuous service की जरूरत है gratuity payment के लिए, लेकिन इसमें कोई exception है क्या? कि उससे पहले भी पेमेंट हो सकता है बताइए हाँ नहीं हो सकता उससे पहले हो सकता है दो केसेस में हो सकता है अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाए ठीक है अगर एम्प्लॉय का डेथ हो जाए या वो किसी तरीके से डिसेबल हो जाए ठीक है देखिए सच कंडीशंस शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबलमेंट Such provisions shall not apply in case of death and disablement of employee. Eligibility? Yes, ma'am. नेक्स्ट राइट क्या क्या कंडीशन होता है ग्रेच्युटी पेमेंट का कब कब ग्रेच्युटी आपकी जो है वो आपको मिल जाएगी राइट कंडीशंस फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट कंडीशंस फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट पॉइंट नंबर वन सुपर एनुएशन See the spelling on board. Superannuation. Next, voluntary retirement. Next, voluntary retirement. Next, resignation. Next, death. Next, disablement. Next, chronic disease. ये सारे conditions हैं जिसमें gratuity की payment मिलती है, जैसे retirement. मैम, second number क्या था? वॉलंटरी रिटायरमेंट जब आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं बीआरएस सुना है ना
यस मैम यस सुपरएनुएशन वॉलंटरी रिटायरमेंट रेजिग्नेशन डेथ डिसेबलमेंट एंड क्रोनिक डिजीज मैंने आपको पहले ही बताया कि देयर आर सर्टेन कंडीशंस आल्सो जब जो एम्प्लॉयर है वो आपका ग्रेच्युटी का पेमेंट रोक सकता है ले सकता है या तो पार्शियली या फुली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या किया है कौन से कंडीशंस वैसे हो सकते हैं बताओ right now partially or wholly for feature of gratuity partially or wholly for feature okay diya jana for feature of gratuity partially or wholly for feature of gratuity पॉइंट नंबर वन देखो अगर तुमने कोई बहुत मेजर मिसकंडक्ट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन ठीक है किसी बड़े किसी मैनेजमेंट के सामने में तुमने कोई ऐसा मेजर मिसकंडक्ट है कोई बहुत ग्रॉस बदमाशी की है या बदतमीजी की है जो कि बहुत एक तरीके से दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन तब आपका ग्रेच्युटी का पेमेंट जैसे आप कुछ केसेस में जैसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताते हैं जैसे ड्रिंक करके ऑफिस चले जाना ठीक है ड्रिंक करके ऑफिस चले जाना और फिर वहां पर तोड़ फोड़ करना हंगामा करना गाली गलौज करना एम्प्लॉयज के साथ मारपीट करना ये सब चीजें या फिर अपने मैनेजर के साथ ये चीजें एक मिसकंडक्ट में आती है तो अगर एम्प्लॉयर चाहे तो आपका ग्रेच्युटी का पेमेंट इस बेसिस पे रोक सकता है ठीक है राइट डाउन इन केस ऑफ मेजर मिसकंडक्ट In case of major misconduct, second moral turpitude, moral M-O-R-A-L, moral turpitude. Ma'am, इसके अंदर या फिर इसके बाद? Next point. अरे second point. Second point okay. Moral turpitude. Moral turpitude मतलब देखो यहाँ टॉपिक मैम वो नहीं दिख रहा है ठीक है अभी यस मैम मॉरल टर्पिट्यूड मतलब कुछ ऐसे मॉरल देखिए आप जब काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सम मॉरल ऑब्लिगेशंस आल्सो दैट यू बेयर टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयर जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आप बहुत मनी सिक्योरिटी पे काम करता है बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो कि क्रेडिट कार्ड पे काम करती है यू नो दैट वहाँ डेटा सिक्योरिटी पे जो लोग काम करते हैं उनके साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है कि आप अपना बैग आप अपना पेन तक वॉलेट तक अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता है आप जब रिसेस टाइम पे आपको एक लॉकर अलॉट होता है आप उस लॉकर में ही अपने सारे बिलोंगिंग्स रखते हैं यहाँ तक कि कॉफी मग वगैरह के लिए नैपकिन भी अलाउड नहीं होता है क्योंकि आप शायद डेटा का कोड वगैरह नैपकिन पे लिख करके ला सकते हैं कहने का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हर संभव प्रयास करती है कि उसका डेटा सिक्योरिटी किसी तरीके से लीक ना अब आप वहाँ काम कर रहे हैं और आपने वो लीक कर दिया वी डू दैट ठीक है देयर आर एम्प्लॉइज हु डू दैट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो प्लान पे काम करती है एंड प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन ठीक है उस प्लान्स पे काम कर रही है कोई पेन ड्राइव अलाउड नहीं होता है लेकिन आप चोरी छुपे वो लाके और किसी और को दे दिए तो इस तरीके की मॉरल जो टर्पिट्यूड है मॉरल विकेडनेस जो आप करेंगे तो उसके लिए आपको वो चार्ज किया जाता है तो द एम्प्लॉयर हैज द राइट टू स्टॉप और फॉरफीट योर ग्रेच्युटी पेमेंट समझ आई बात नेक्स्ट पॉइंट लिखिए डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी Damage to employer's property. Employer की property है AC है पंखा है और भी बहुत तरीके की चीजें हैं आप जाके कंप्यूटर तोड़ दीजिए लैपटॉप तोड़ दीजिए PC तोड़ दीजिए
या फिर आप आपका कुछ मैनेजमेंट से इशू हुआ तो आप कुछ बर्बाद कर दीजिए जो एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी है. तो यू आर नॉट सपोज टू एंड यू आर नॉट यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स एंड इफ यू डू द एम्प्लॉयर हैज द राइट टू फॉरफीचर ग्रेच्युटी पेमेंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रायटस और वायलेंट बिहेवियर. रायटस दंगा, आर आई ओ टी, रायटस देखो यहाँ, रायटस और वायलेंट बिहेवियर. देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कई बार बहुत सारी बात को लेकर के बकचक होता है. ठीक है, मैनेजमेंट कुछ मनवाना चाहती है, एम्प्लॉयज कुछ नहीं होते. अब उसमें अगर किसी आदमी का ये बिहेवियर दिख जाता है कि ये इंस्टिगेट कर रहा है या ये उकसा रहा है लोगों को मैनेजमेंट के खिलाफ वायलेंट होने में, स्ट्राइक कराने में या किसी तरीके का दंगा कराने में ऑर्गेनाइजेशन में, इसका कोई हाथ है और अगर ये प्रूव हो जाता है, ठीक है, तब उस केस में आपकी ग्रेच्युटी की पेमेंट रोकी जा सकती है. अंडरस्टूड? यस मैम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आप ये बताइए रेट एंड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी. देखो रेट एंड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी. एक बार बताइए ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ इट्स सर्विस ड्यूरिंग सर्टेन सीजंस. ये हम बता चुके हैं आपको. क्वेश्चन क्या है मैम? मैम टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड, बताइए इंटरनल और एक्सटर्नल. पैरेलल और सीजनल. वेरी गुड, 12 महीने होता है और सीजनल होता है जो लगभग 7 महीने से कम ही काम करता है. वो 6 महीने ही मानते हैं उसको, लेकिन 7 महीने भी होगा तो वो उसको पेरेनल मानेंगे. देखिए सारा ऑर्गेनाइजेशन साल भर तो काम करता नहीं है. सारा बिजनेस साल भर काम करता है? नहीं करता है ना. नो मैम. स्पोर्ट्स वगैरह, विंटर स्पोर्ट्स वगैरह का जो बिजनेस होता है, जैसे कि आप पहाड़ों पे जो स्कीइंग हाइकिंग ये सब करवाते हैं, क्या वो साल भर होता है? नहीं, जब बर्फ गिरती है, विंटर सीजन आता है तभी ना. उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि साल भर काम नहीं करते. ठीक है, वो सीजनल होते हैं, 6 महीने या 7 महीने ही साल में वो काम करते हैं, उनको हम सीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. और जो साल भर काम करते हैं, जैसे सीमेंट है या माइंस वगैरह है, ये पेरिनियल हुआ. माइंस में भी जो ओपन कास्ट माइन होगा, बरसात के मौसम में पानी भर जाता है तो उसमें काम नहीं होता है, तब वो सीजनल हो जाएगा. समझ में आई बात? यानी इन द नटशेल यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द वर्क इज कैरीड आउट फॉर ऑल 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, दैट इज नोन एज पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन. एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द वर्क इज कैरीड ऑन फॉर 6 मंथ्स लेस और इवन 7 मंथ्स, दे आर नोन एज सीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जहां पे कि 12 महीना काम होता है, और सीजनल ऑर्गेनाइजेशन मान लो कि जहाँ पे कि 6 मंथ या आसपास काम होता है, दोनों का रेट ऑफ ग्रेच्युटी अलग होता है. जो पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 15 डेज पर ईयर के हिसाब से पैसा मिलता है, और सीजनल में 7 डेज पर ईयर के हिसाब से पैसा मिलता है. ठीक है, समझ में आई बात? यस मैम. यस मैम.